हेलो हेलो स्मार्ट गर्ल, बहुत क्यूट है ये तो, बहुत क्यूट है भाई। क्यूट गर्ल शहजादा, मेरा बुड्डू गुड्डू मुड्डू मुड्डू मेरा चचू, कपा कपा कपा। ये पकड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए। ग्लासेस पहनने वाली गोल लड़की, वाले पे ओए होए 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 होए। चलिए जी, आज हम आपके साथ इंटरव्यू करने लगे हैं हुसना के साथ। ये बहुत फेमस लोग हैं, बड़ी मुश्किलों से हमने इनको पकड़ा है और ये इंटरव्यू में नहीं आना चाह रहे थे। इनके पास टाइम ही था, इनकी वेटिंग लिस्ट इनकी बहुत लंबी थी और ये तो हुसना, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये बॉक्सिंग कब से स्टार्ट की थी, बताओ बताओ। सही हो गया, ठीक है। तो ये हुसना, वैसे भी अगर आपको नहीं समझे, हुसना कह रही है कि मैं शुरू से ही बॉक्सर थी और ये मेरे अंदर इन बॉर्न टैलेंट है। और हुसना ये बताओ कि आप जब बड़ी होगी तो आपने कौन से स्कूल जाना है, बताओ बताओ बताओ। है नहीं बोले क्या, थोड़ा दूर नहीं है वो? अच्छा चलो ठीक है, वहीं चले जाएंगे, परेशानी की कौन सी बात है। ठीक है, अच्छा हुसना, हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो हेड बैंड पहना हुआ है, ये इतना पॉलो शो हेड बैंड है आपने, तो ये हुसना, कोई बात नहीं हुसना, मुझे आपने माइंड नहीं किया होगा जब मैंने आपको एकदम से पप्पों का अटैक किया है। सर हमें आपकी थोड़ी सी इधर चाहिए है, क्या कहते हैं उसको, अटेंशन चाहिए। ये बताएं यार, इसकी आंखें क्यों सेंटर में हो जाती हैं एकदम से, डर जाता हूँ मैं, फंस ही मैं जाती भी हैं ऐसे करती हूँ फिर। ये, फंस जाती हैं इसकी हाँ आंखें, ये क्योंकि तो, यूं देखती है ना और वही फंस जाती हैं, बचपन में ऐसे। होता है बचपन में इस तरह। हाँ जी अच्छा, हौसला ये बताओ कि आप एक पांडा कब से हो, आप पांडा कब से हो, जरा बताना उनको। बाबा मैं पांडा तो शुरू से ही हूँ, आपको तो पता है बाबा। ये मुझे देख रही, यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग मी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना, ये बताओ कि आप मेरे साथ वॉक पे चलोगी? अच्छा मेरी बात तो सुनो उसना, अच्छा उसना ये बताओ कि आपको हम आपकी फिर से गंज करें, फिर से गंज करें, आप गंजू कर दें, गंजू नहीं, बोरिंग था क्वेश्चन। क्या प्यार, इधर देखो क्या प्यारा सा रोमपर पहना। ओए ये पटाखा नीचे से क्या बजाया भी, बताओ जरा सबको, ये पटाखा क्या था नीचे से जो बजाया भी, हैं नहीं, थोड़ी प्राइवेट बात है। चलो ठीक है, बात नहीं बताते किसी को। चलो जी, हम आपसे, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगी फाइनली, कि अपना हाथ खाएं और सब मिलके अपना हाथ खाएं और क्या, और मुक्के मारें और अपनी लाइफ को, हाँ कह दो कह दो कह दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कह दो, और मुंह खोले इस तरह और टांग निकाले इस तरह। ठीक हो गया सर, हमें समझ आ गया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हाफिज़। तो गाइज, नॉर्मली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दूँ। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आई विल शेयर हाउ यू गाइज हैव टू ग्रो गेन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने क्या करना है कि जो फेमस लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री में, लेट से कि मेरा कॉन्टेंट आपसे मिलता है, या लेट से कोई और फेमस बंदा है जिसका कॉन्टेंट आपसे मिलता है, तो आपने उसकी लेटेस्ट फोटोज़ पर जाना है। लेटेस्ट फोटोज़ के ऊपर जाके जो के फोटो के ऊपर लाइक्स आए हुए हैं, आपने उन लाइक्स को ओपन करना है, लाइक्स की लिस्ट को, और उस लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको आपने फॉलो करते जाना है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके अंदर ये कोई जो है ना वो अनएथिकल नहीं है, क्योंकि बेसिकली
आपको पता है यार ये लोग होंगे जो कि आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे और इनको एक वक्त आएगा कि आपका कंटेंट इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तक बिकॉज दे डोंट नो यू तो वो आपको फाइंड नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको यू हैव टू यूज़ दी स्ट्रेटेजीज. उनको नोटिफिकेशन दे दिया भाई किसने आप उनकी उनको फॉलो किया है, तो वो फिर आपको चांसेस होते हैं कि वो आपको फॉलो बैक करें. और वो आपको फॉलो बैक उसी वक्त करेंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है ना बेसिक प्रोफाइल अच्छी बनी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है ना एक सेंसिबल और अच्छी डिस्क्रिप्शन हो, फोटो आपकी अच्छी सी लगी हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका जो कंटेंट है जो आपने ये शेयर किया हुआ है उसके अंदर कोई वैल्यू हो. ये नहीं कि आप सिंपल बस रोज़ की रोज़ एक फ़ोटो डाले जा रहे हैं, अब अपने फेस की फ़ोटो डाल रहे हैं, लोगों को आपको देखने का इतना शौक नहीं है, ठीक है ना. इट गो साइड बाई साइड, पीपल वॉन्ट टू सी यू और द कॉन्टेंट दैट इज़ रिलेटेड टू यू, जो भी आपका कॉन्टेंट है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू हो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. आपने अक्सर देखा है मैं हर फोटो अपनी हर पोस्ट के अंदर आई ट्राई टू शेयर समथिंग वैल्यूएबल, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. अपनी प्रोफाइल की एटलीस्ट जो पहली 9 फोटोज़ है ना, जो कि 9 टाइल्स शो होती हैं, कोई बंदा भी नया आए वो आपकी फुल हो. ये नहीं कि जी आपने वहाँ से लोगों को लेके आने वाला काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ टोटल 2 फोटोज़ आपकी अपलोड हुई हुई हैं या फिर फजूल फजूल फोटोज़ हैं. तो पहले 9 फोटोज़ आपकी अपलोड हुई हैं, उन सारों के ऊपर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हो, हैश टैग यूज़ किए हुए हैं, और कौन से हैश टैग यूज़ करने मैं आपको बताता हूँ. ये नहीं करना कि जी गूगल प्ले स्टोर से जाके आपने जो है ना क्या कहते हैं वो जो टॉप फेमस हैश टैग्स वाली ऐप्स होती हैं उनको डाउनलोड करके उनमें से जो मोस्ट फेमस हैश टैग्स अगर आप डालेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. वो लाइक्स अगर आपके पास 100 लाइक्स आते भी हैं तो किसी काम के नहीं है, मैं वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो आपको असल में जो गोल है वो ये है कि भाई मेरा जो कंटेंट है उससे रिलेटेड लोग आए. अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको हो गया पाकिस्तानी मुझे फॉलो करें, ठीक है ना. जो फोटो अपलोड कर रहे हो ना उसके अंदर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल लिखें #peace, मतलब जो भी फोटो है उससे रिलेटेड #hashtag यूज़ करना है आपने. अब आपने फॉर एग्जाम्पल लेट से लिखा #peace लिखा ना, तो आप देखेंगे कि वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी कि भाई इसमें जब इस पीस से मिलते जुलते कौन से मोस्ट फेमस #hashtags हैं, कि उनमें से वो #hashtags चूज़ करना है जिनके अंदर इतनी पोस्टें ज़्यादा ना आती हों. ये नहीं कि जी आप मोस्ट फेमस इसके इसके 25 लाख इसके में पोस्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लें, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उस हैशटैग में इतनी स्पीड से पोस्ट अपडेट हो रही होती है कि आपकी पोस्ट वहाँ पर ठहरती ही नहीं है. अगर आपकी पोस्ट ठहरेगी नहीं तो वो कैसे लोग उसको देखेंगे. तो आप मेरी एडवाइस ये है कि आप एटलीस्ट 100,000 से नीचे नीचे वाली या 200,000 से नीचे वाले वाली आप पोस्ट चूज़ करें. तो सारे हैशटैग्स 200-300,000 से मतलब मिलियंस वाले करने की जरूरत नहीं है, और अपनी पोस्ट से रिलेटेड और मैक्सिमम हैशटैग यूज़ करें, लाइक 25-30 हैशटैग डालें. लेकिन मैं एक एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपको सक्सेस लेने के लिए 30 डोर्स आपको मैं 30 अपॉर्चुनिटीज़ में देता हूँ आपको. नहीं जी मैंने सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है. क्यों भाई, 30 हैशटैग डालेंगे 30 डिफरेंट एवेन्यू से लोग आपके पास आएंगे, आपके कॉन्टेंट को एक्सप्लोर करेंगे. तो ये 4-5 काम आप करें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी स्पीड से आपके इनिशियल 1-2,000 आपके हो जाएंगे. जब वो हो जाएंगे तो बस फिर इट्स रोलिंग बॉल इंशाल्लाह. कृष्णा जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हाथ खींच रहे हैं, हाथ के अभी कमजोर है ऐसा बचेरियां नहीं मेरी तो हम बैठे थे रात टाइम, तो मैंने कहा चलो यार हुसैन को माशाल्लाह हम अभी लेके आए हैं, कोई इसकी शॉपिंग हमने की है कुछ देखें ये चीज़ें. ये हमने इसका पजामा लिया, क्या कहते हैं तो पजामा, अच्छा पूरा सेट होता है. मामा की आवाज़ ख़राब है वैसे. इट्स नॉट कॉल्ड पजामा, इट्स कॉल्ड रॉम्पर्स. तो ये पूरा रॉम्पर है, ये मामा रॉम्पर है ना, नहीं फ्रॉक, ये फिट, ये फुल, ये 1 पीस रॉम. इसमें 3 सेट्स हैं ये वाले में, मैं बहुत प्यारा सा मिला एक, इस तरह हाथ से कढ़ाई हुई हुई है, इतना प्यारा सा ये भी. और ये हम हेडबैंड लेके आए हुसना के लिए. तो आज का टोटल व्लॉग वाज इंटरव्यू हुसना का. तो फिर इंशाल्लाह अब हमने वो बै मामा वो हमने ना बैरियर टाउन वाली एक वीडियो मिल के बनानी है, जो हमने बैरियर टाउन के सारे फेजेस दिखाने हैं. तो कल इंशाल्लाह प्लान कर ले, कल चलते हैं, ठीक है ना. कर लें, कल गेस्ट ना आने ऊपर सारा ठीक कर, कल आने गेस्ट ये पता नहीं आज कल. चले हम कल फिर, कल चांसेस नहीं तो कल हम फिर आज ही शूट कर लेंगे. आधा घंटा चाहिए सर ऊपर के लिए, वो हम कर लेंगे सुबह कर ले नाश्ते, वो हम नाश्ते वगैरह कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन हमने वीडियो शूट करनी है ना, फिर कल हम कर लेते हैं, ठीक है. चलो ठीक है, ठीक है गाइस आपके सामने मैंने मामा से को कन्फर्म कर लिया, तो डन करते हैं. और ये हो रहा तशद्दुद, हो रहा तशद्दुद, ये प्यार वाला तशद्दुद हो रहा है. इस व्लॉग के एंड में जरा फाइनली सबको हाफिज कह दो आप. हाफिज कहो Guys, take care and Allah Hafiz. Bye bye, Tata.